दोस्तों आज हम लोग हैं गोवर्धन में। गोवर्धन मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये स्थान श्री गिरिराज महाराज मंदिर, मानसी गंगा कुंड और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये है श्री मानसी गंगा कुंड व इसी के सामने स्थित है श्री गिरिराज महाराज मुकुट मुखार विंद मंदिर। चलिए दर्शन को चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, इसी के पीछे मानसी गंगा कुंड है। मंदिर में प्रवेश करते ही बजरंग बली का मंदिर मिलता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर माता कामधेनु की विशाल प्रतिमा मिलती है। यहाँ दर्शन करने के पश्चात आगे बढ़ने पर स्नान घाट दिखाई पड़ता है। यह लोगों के नहाने के लिए बनाया गया छोटा सा घाट है। इसके बाद हमें एक विशाल प्रांगण देखने मिलता है। इस प्रांगण को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसी मंदिर प्रांगण में स्थित है श्री राधा कृष्ण मंदिर व श्री कृष्ण बलराम मंदिर। यहाँ दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर गर्भ में पहुँचते हैं, जहाँ दो पाषाण प्रतिमाएँ स्थापित हैं। एक पाषाण प्रतिमा में गाय के चरण चिन्ह व दूसरी पाषाण प्रतिमा में कल्प वृक्ष, जो इंद्र स्वर्ग से लेकर आए थे, व मोर पंख बने हुए हैं, जिनके दर्शन को लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ दूध दही का भोग लगाया जाता है। मंदिर प्रांगण में ही श्री गंगा माता का भी मंदिर है, जहाँ माता गंगा की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ चार पाषाण प्रतिमाएं माता के मंदिर के बगल में और देखने मिलती हैं, जिनमें क्रमशः श्याम बाबा, गिरिराज महाराज, मानसी गंगा व हरदेव जी महाराज की मूर्तियां स्थापित हैं। इसी मंदिर के पीछे की ओर पवित्र श्री मानसी गंगा कुंड स्थापित है। एक राक्षस जो कि बछड़े का रूप धरकर श्री कृष्ण की गायों में मिल गया, अंततः श्री कृष्ण ने उस राक्षस का वध किया। परंतु गौ हत्या के पाप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने श्री मानसी गंगा कुंड का निर्माण किया और यहीं स्नान किया। इसके बाद हम चलते हैं श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर, जहां दर्शन के बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा चालू होती है। यहां से परिक्रमा 7 कोस की है, लगभग 21 किलोमीटर की। यदि आप गोवर्धन पर्वत परिक्रमा पैदल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी मात्र 50 रुपये लेकर पूरी परिक्रमा करवाती है। सभी जगह दर्शन भी आपको करने मिलते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही यहाँ मंदिर गर्भ में श्री राधा कृष्ण मंदिर मिलता है। हम चलते हैं श्री गोवर्धन जी महाराज के दर्शन करने। ये हैं श्री गोवर्धन जी महाराज, जहाँ आप दूध दही मिठाई फूल जल आदि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। श्री गोवर्धन जी महाराज के दर्शन के बाद ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू की जाती है तथा पुनः दर्शन करके परिक्रमा पूर्ण की जाती है। इसी मंदिर प्रांगण में घोड़े पर सवार भगवान श्री कल्कि जी का मंदिर भी है तथा यहाँ श्री श्री नाथ मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ श्री गिरिराज मंदिर में ही श्री राधा कृष्ण का भव्य मंदिर भी है, जहाँ श्री सांचौली माता का मंदिर भी है। ये मंदिर का विशाल प्रांगण है, जहाँ श्री राधा कृष्ण की विशाल मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिसके दर्शन को लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।